परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया, 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। कहते थे कि भाई ये लड़की ये वैसा यहां आती है, ये बदनाम औरत है, संगत को बदनाम करेगी, सत्संग को बदनाम करेगी। जनता तो वैसे ही हमारे गुरुदेव के पीछे पड़ी हुई है और ये यहां आती रहेगी तो गुरु जी के ऊपर उंगली उठेंगी। इसको नहीं आना चाहिए, ये बहुत गलत हो रहा है, गुरु जी बदनाम हो जाएंगे। इस उद्देश्य से उन्होंने उस लड़की से कहा कि बहन तू यहां मत आया कर, और तेरे आने से यहां गुरु जी के ऊपर भी लांछन लगेंगे और संगत सत्संग भी बदनाम हो जाएगा। अब उस लड़की ने 1 दिन सुना, 2 दिन सुना और उसने देखा कि भी मैं भगवान के इस भक्ति बिना रह नहीं सकती, क्योंकि जिसकी आत्मा जाग जाती है वो पीछे देखकर भागता है। जैसे कोई भयभीत प्राणी होता है उसके पीछे कोई पागल कुत्ता लग ले और पीछे देखकर स्पीड खींचता है कि कहीं निकट ना आ जा, तो ऐसे वो सोचने लगी कि अब क्या होगा भगवान। एक दिन हिम्मत सी जुटा करके परमात्मा कबीर जी के समक्ष उस बेटी ने अपना दुख बताया कि प्रभु यहां सत्संग में आने से मुझे रोक रहे हैं, कुछ भक्त ऐसे ऐसे कह रहे हैं, आपका क्या आदेश है परमेश्वर। परमात्मा ने कहा बेटा तू बैठ यहां पर और डेली आया कर, जब भी तुझे समय मिले अवश्य सत्संग सुनाया कर। परमात्मा ने सत्संग के माध्यम से बहुत बार समझाया कि भाई कोई जैसे शराब पीता है, मांस खाता है और तंबाकू सेवन करता है, या कोई चोरी करता है, दुराचार करता है, वो व्यक्ति यदि सत्संग में नहीं आएगा और तो उसको पता कैसे चलेगा कि तू जो क्रिया कर रहा है ये पाप है, और यहां आने से रह रह कर आने से उसको इस बात का यकीन विश्वास होगा, और यदि उसको यहां आने से बंद कर दिया जाए तो वो सुधरेगा कैसे। परमात्मा की वाणी है भाई, कुष्टी हो वे संत बंदगी कीजिए, हो वैसा कै विश्वास चरण चित दीजिए। क्या बताया है कि यदि कोई भक्त संत, क्योंकि संत सोए जो सीधा चाल है, सब बुराई छोड़कर भक्ति करा वो संत होता है, साध कहो संत कहो, यानी जो अच्छी आत्माएं हैं बुराई छोड़कर उपदेश दे लेती हैं वो संत कहलाती हैं। वैसे तो संत की परिभाषा भिन्न भी है, लेकिन ऐसे भी उस अच्छी आत्माओं को भी संत बोलते हैं। क्या बताया कि यदि किसी भक्त का कोड भी लग रहा हो, उसको भी आदर के साथ सच्चाई बोलिए, उस नफरत ना करिए, और भक्ति करने से उसके वो कुष्ठ भी दूर होगा, उसके कर्म बढ़ेंगे, भय से भक्ति करेगा तो उसको नफरत ना कीजिए। उधर से कहते हैं हो वैश्या कै विश्वास चरण चित दीजिए, यदि गणका कै भी परमात्मा की का विश्वास हो, भक्ति करना चाहती हो तो उसे नफरत नहीं, अपनी बहन बेटी की तरह उसको आदर दीजिए। गीता जी में लिखा कि अति से दुराचारी व्यक्ति भी क्यों ना हो उसको भी संत मानना चाहिए, भक्त मानना चाहिए।
भक्त जाने, क्योंकि वो आएगा सत्संग में तो अच्छे विचार सुनेगा, एक दिन वो निर्मल हो जाएगा। अब ज्ञान तो परमात्मा देते हैं, ज्ञान कुछ दिन तो हमारे असर करता है, फिर हमें कुछ सुख हो जाता है और उस सुख के कारण हम परमात्मा के वचनों को कानों पर के टालना शुरू कर देते हैं और कहते हैं जो सत्संग में सुधरा नहीं ताके बड़े अभाग। परमात्मा संकेत के माध्यम से कबीर जी बहुत बार ये कहा करते थे, लेकिन कुछ एक ऐसे समाज के ठेकेदार होते हैं वो भक्त नहीं होते, कहते संगत मा एक कुसंगत उपज जैसे बण में बांस, आपा घिस घिस आग लगा दें करें बणखंड का विनाश। परमात्मा ने कहा कि जैसे बहुत बड़े जंगल में कुछ बांस ये बंबू ये भी उत्पन्न हो जाते हैं और वो फिर तेज हवाएं चलती हैं तो वो आपस में ऐसे ऐसे रगड़ खाते हैं, हवा में ऐसे ऐसे रगड़ खा करके और फिर उनमें से चिंगारी फटने लग जाती हैं। बांस को अगर जोर जोर से रगड़ा जाए तो इतना गर्म हो जाता है हाथ नहीं लाया जा और आग भी उसमें लग जाती है, लीला हो जाता है। तो ऐसे उसमें अग्नि लग जाती है, आप तो जड़े जड़े और आसपास के जंगल का भी वो दावा नल बनकर नाश कर देता है। इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं इसी अच्छी संगत में कुछ कुसंगत भी उत्पन्न हो जाती है, वो काल के दूत होते हैं तो वे फिर आपस में मतभेद पैदा करके संगत का नाश यानी उसको तोड़ना शुरू कर देते हैं, खराब करने लग देते हैं। संगत मा ही कुसंगत उपज जैसे बन में बांस, आपा घिस घिस आग लगा दें कर बणखंड का विनाश। परमात्मा ने बहुत कहा लेकिन फिर भी ऐसे सुरसराहट बना रहा, उस लड़की को कहते रहे कि बहन तेरा यहाँ ना अच्छा तो है नहीं, देख ले तू। लेकिन परमात्मा का आदेश था, उसके उनके सामने कोई बोल नहीं सके, पर नीचे नीचे कुछ एक ने बकवाद शुरू कर दी। परमात्मा ने सोचा भी एक बार इनका परीक्षण करता हूँ कितने भगत हैं और कितने नकली। परमेश्वर ने सोचा कि इनकी कति फड़क काट दूं, इनको पूरा दिखा दूं, भाई तुम अभी तक क्या समझे मुझे, जब तक तुम्हारा सुख हो थे तुम्हारी ब्रेन में टी हो रही थी है, किसी का क्यों बीमारी थी, कोई टोटे में दुखी हो रहा था, इतना दारिद्र था, आज सुख हो गया। जब तो कहा करते भगवान उतर रहे हैं भाई, परमात्मा आए हुए हैं, वो हमारा इतना दुख था ठीक हो गया, सौ सौ गुण गाया करते, जगह जगह बताया करते। और आज परमात्मा कहते आज मैं तुमने मेरी सोच की बजाय तुमने अपनी सोच प्रयोग शुरू कर दी। तो क्या किया परमात्मा ने, उस लड़की से कहा कि बेटी कल तू अपना पूरा जो है ना श्रृंगार करके आना। तो कहने लगी जो आ गया पिताजी। लड़की ने अपना पूरा सोच कपड़े पहने और जो भी श्रृंगार हुआ करते हैं औरतों के वो सारे कर लिए। उधर से कबीर परमेश्वर जी ने रविदास जी महाराज को कहा कि रविदास जी आप एक हाथी किराए पर ले लो एक दिन के लिए। ये सेवा रविदास जी ने कर दी, क्योंकि रविदास जी अधिकतर कबीर जी के साथ रहते थे। और परमात्मा ने क्या किया कि एक बोतल में गंगाजल भर लिया सफेद और हाथी के ऊपर बैठ गए। आगे तो रविदास जी से कह दिया कि तू तो ड्राइवर बन मेरा, हाथी को हांकने वाला पीलवान, और मैं अपना काम करता हूं। लड़की को रविदास जी के पीछे बिठा लिया, रविदास जी का मुंह सामने, लड़की बीच में और पीछे कबीर जी, एक हाथ में बोतल गंगा जल की भरी हुई और सीधे मुंह का लाए रहे और लड़की के कंधे पर हाथ रख लिया।
नो कंधे पर हाथ रखकर बैठ गए और जैसे शराबी एक्टिंग करते नो करे। और रविदास जी से कहा कि इस हाथी को तो मेन बाजार में निकाल देना, काशी के मेन बाजार में निकाल दे इसको। रविदास जी ने आज्ञा का पालन किया। अब जो भी देखे, अगर यू सरेआम किसी ने जुलूस काट दिया तो देखे, अरे यू तो वो कबीर है दानक जुलाहा, वो नीरू का पुत्र, ले भाई हम तो पहले का करते, वहां तो वैसे भी जाने लगी, गंदी औरतें जाया करती थी, हैं हम तो पहले ही कहते थे। देखा आज आगी आग गए, सारी चीज ऊपर आ गई, भाई देख लो। अब परमात्मा कबीर जी के जो शिष्य थे उनको ले आऊं पकड़ पकड़ के, आजो तुम क्या करते हो, भगवान उतरे हैं, परमात्मा आ रहे हैं, आजो के देख। वो लाओ उनकी बाजू पकड़ के, देख देख आजा, देख ये रे तुम्हारे गुरु जी, ये के करन लाग रहे, सरेआम वैश्या को बिठाए घूम रहे और शराब पीवे। अब जो नकली तो वह नकली तो थे तकरीबन, क्योंकि उनको ज्ञान था नहीं, इतना सुख होकर भी न्यू नहीं समझे रहे तुम परमात्मा ऐसा कर सकते हैं, तो क्या कहते हुए कहते हैं, मैं तो एक आजी बजाया करता। वो चेले फिर न्यू कहने लगे, मैं तो कभी कभी जाता था, मैं ना जाया करता वहां पर। और एक कोई न्यू कहे, मन तो वो ले गया धक्के तो फलाना, नमक मैं नहीं जाया करता। कहने का भाव ये है पुण्यात्मा, ये जो बात है आग की तरह फैल गई है, पूरी काशी में इकट्ठे हो गए, दुनिया देखना है। और क्योंकि ज्यादातर शिष्य थे कबीर जी के बनारस में, उनको बुला बुला लिया, गाजो के दिखावा, सब ने देखा, नीचे ने मुंह कर लिया। रामानंद जी को बुला लिया, रामानंद जी तक बात पहुंची, आपके चेले ने न्यू कर दिया। रामानंद जी भी न्यू कर गया, भाई कति डूब का मरण कारा हो गया कि मुंह दिखावांगे बाहर। ऐसे ही कुछ जो घड़े चतुर शिष्य थे वह भी न्यू कहने लगे, भाई किस क्यों मुंह दिखावांगे, आज तक कति नाश हो गया बात का, या जनता हुए ना जीवन दिया करती, और आज तय हमने ब्रणी के श्लोक सुनावेंगे, भाई गुरु जी ने कर दिया जुल्म। पुण्यात्माओं अपने परमात्मा गुरु जी के विषय में इस तरह की धारणा बन जाना भी आपके लिए महापाप है। 64 लाख शिष्य थे, आगे आगे गांवों में नगरों में ये बात फैली, सभी ने इसे कह दिया, भाई घनी गलत कर दिया, कुछ नहीं सोची गुरु जी ने, बदनाम कर वो गए, और ये वहां जान का के धर्म रह गया। इस तरह की बातें करके परमात्मा से वो दूर हो गए। अब परमेश्वर कह रहे थे, रे निकम्यो, जब तक मैं भगवान था, जब थरी बिरन में टिहरी थी, हैं किसी के कोट लाग रहा था, किसी के कुछ हो रहा था, आज मैं ढेर हो गया, यही देखना चाहते थे ये, वैसे देखा देखी गए लाग रहे कि इनमें कुछ विवेक भी है। परमात्मा कहते ज्ञान संपूर्ण होया नहीं, अर्दा नहीं छदावे, और इस देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहराव। अब परमात्मा घूम फिर के सारे काशी के मेन बाजार में के और आगे वापस। अब फिर क्या होता है, गरीबदास साहिब जी ने एक बहुत ही अनमोल वाणी परमात्मा के विषय में लिखी है, उनका यथार्थ चित्रण किया है। फिर गणिका को संग ले सीसी बरी शराब, गरीबदास उस पुरी में ये जुल्हा भया खराब। जुल्हा दानक कहते करीब कसब ने कहे, जुल्हा तो भाई बिगड़ गया, नाश कर दिया, सरेआम वैसा वर्ती करता फिर दारू पी के। तारी बाजी पूरी में, पूरी माने नगरी में, काशीपुरी में, तारी बाजी पूरी में ये भिष्ट जुल दी नीचे, गरीबदास गणका सजी दो संतों के बीच। गणका माने वैसा, गावत बैन विलास पद गंगा जल पीवंते,
गरीबदास भी बल्ब हे मतवाले घूमंत, जैसे नशे में ऐसे एक्टिंग कर रहे भगवान। बड़ुआ भड़ुआ सब कहें कोई न जाने खोजे, गरीबदास कबीर करम यो बांटे सिर का बोझे। ओए होए कितनी प्यारी बात कही है परमात्मा। देखो पुण्यात्माओं, एक कुम्हार होता है, परमेश्वर ने कहा कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। कबीर परमेश्वर जी ने बताया हमें कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ा है कच्चा घड़ा, और घड़ घड़ काढ़े खोट, अंदर हाथ सहारा दे के ऊपर मारे चोट। पुण्यात्माओं कुम्हार कितनी मेहनत करता है एक घड़े को प्रॉपर शेप देने के लिए, उसमें जरा सा भी अगर बांकापन रह गया, जरा सा भी टेढ़ा मेढ़ा रह जा मटका, वो बिक्या नहीं करे। उसने ऊँ गेर का आकर कुम्हार, और फिर वो भैंसा का मुँह तोटने का काम आया करता है पहले। तो कुम्हार वही मटके सिर पे लेकर चलता है जो कति ओके हो, और दत्ते मोल मिले गुरु पद प्राप्त करना ये बालका का खेल नहीं है। जितने भी शिष्य हैं इनकी जिम्मेवारी गुरु पर होती है, और जो योग्य नहीं है उन शिष्यों को रखना, उनको फिर भी लालच लोभ में अकिए आए जा दोवनी चौवनी चढ़ती रहेगी, तेरा गुजारा हो जाएगा, वो घोर पाप का भागी होगा वो संत। तो परमात्मा ने ये देखा था कि इन शिष्यों को जो मटके हैं ये कितने ओके हो गए, ताकि इसको लेकर जाऊंगा ऊपर, ये हमारे लिए प्रमाण है कि कुम्हार मटके उठाकर ले जाता है और वहाँ सारे बाके दर रखे हों देरे में, तो कोई ना बक्के एक भी बोझ मरता अंडे जा। तो गुरु के ऊपर ये भार होता है पूरे सभी शिष्यों का। तो परमात्मा यहाँ क्या कह रहे हैं कि भड़ुआ भड़ुआ सब कहें और कोई ना जाने खोज, दास गरीब कबीर कर्म यो बाटे सिर का बोझ। कि ये जो सही तो होंगे तो कोई दिक्कत कोई ना, और नकली होंगे तो भाग जाएंगे, शर्त बोझ उतरेगा, यानी मेरे सिर से बाहर उतर जाएगा, ये धक्के खाएंगे पड़े रहेंगे अकाल के जाल में। परमात्मा कहते हैं फिट जनित संत की जो साकट शिष करंत, कहते हैं उस संत की माँ को लानत है जो साकट संतों को और शिष बनाता है, दारू पीवो चाहे बीड़ी पीवो चाहे किसी तरह पर सच चेले बन जाओ। कहते फिट जनित संत की जो साकट शिष करंत, यानी नकम्य आत्माओं को नाम देता है। तो पुण्यात्माओं कहते भड़ुआ भड़ुआ सब कहें और कोई ना जाने खोज, उस परमात्मा की लीला से कोई परिचित नहीं, और दास गरीब कबीर कर्म वो बांटे सिर का बोझ, वो अपने सिर से भार उतार रहा था कि नकली हैं तो भाग जाएंगे, खरे होंगे वो रह जाएंगे। और भाई खरे का ही मोल होता है, कहते कच्चा हीरा करच होए ना ही सह घनमार, और ऐसा मन यू हो रहे तब लेखा ले करतार। हीरे की परीक्षा करने के लिए कौन सा फार्मूला अपनाते हैं, एहरन के ऊपर हीरे को रख कर ऊपर तक घन मारा कर, इतना भारा लोहे का दो एक धड़ी पक्का वजन होता है लगभग 5 किलो का, और उसके उसको कुआड़े जैसा होता घन बोलते हैं, उसने ऐसे जोर तक मारा कर हीरे पे ओडे गिरा हो पत्थर चमकड़ा है, जब नकली होगा तो फूट जाएगा और असली होगा तो निशान भी नहीं पड़े। तो परमात्मा ने वो घन मार के देखा, जो कच्चे थे वो तो करच गए, यानी वो टुकड़े टुकड़े हो गए फूट फैट गए, और खरे थे वो रह गए। जैसे छाज के अंदर बाजरा रख के कूट के थोड़ा बहुत बाजरा, फिर ऐसे कराया करें ऐसे उसको पछोड़ लगाते हैं तो जो थोथे होते हैं वो बाहर भाग जाते हैं कणक, और खरे खरे रह जाते हैं। तो परमात्मा ने एक पछोड़ मारी थी, उसमें दो दाने बच्चे थे,
दो बच्चे थे, अर्जुन और शार्दूल। अब ठीक है, कुछ एक ऐसे थे जो गुरुद्रोही नहीं हुए, शर्म के मारे आश्रम जाना छोड़ दिया, गुरुदेव से संपर्क छोड़ दिया, तो उनको आगे फिर मनुष्य जीवन मिलता हुआ आ रहा है। लेकिन उस समय भी काम बन जाता जब हम मालिक के पर विश्वास करते हैं। तो यहां क्या बताते हैं, क्या कहते हैं लोग, देखो गणिका संग लई, गणिका मन वैसा, देखो गणिका संग लई कहते कौम छती से, गरीब दास इस जुलहदी का दर्शन आन हदी से। सरेनों का देखो सरेआम वैसन लेकर घूम रहा है, 36 जाति ये कहने लगी, और कहते हैं इस दानक का, इस दुलाए कहता दर्शन भी खोटा, इसे निकम्मे का, ये कह रही है जनता। सा सिकंदर को सुनी भिष्ट हुए दो संत, गरीबदास चारों वर्ण उठ लगे सब पंथ। अब परमात्मा उस समय ये कोई लीला करा करते जब सिकंदर लोधी दिल्ली से और काशी गया हुआ होता, वहां महीना भी स्टैंड डट जाया करते कई बार। तो उस समय कहते हैं सा सिकंदर को ये बात सुनी कि वहां तक पहुंची उनकी आवाज, जनता गई भागी के नाश हो गया, ऐसा कर दिया उसने, तक कितना निकलने जोगे नहीं छोड़े, बाण बेटियों का बाहर निकलना हराम हो गया, बाप बेटा देख ले तो कित डूब कमरा, ऐसी ऐसी टिकड़ी चढ़ा जिसके काना पर सिकंदर लोधी के। सा सिकंदर कह गए सुन कबले अरदास, गरीबदास तलबा हुई वो पकड़े दोनों दास। सा सिकंदर के पास पहुंच गई जनता, और वो नकली गुरु संत आचार्य और महंत बाट यही इंतजार कर रहे थे कदे फंसा ही हो इसी चक्कर में। दुनिया इकट्ठी होगी सिकंदर लोधी के पास पहुंच गए, कहने लगे जी भारत कति सरेआम वैश्यावर्ती शुरू कर दी, कहाँ निकले कहाँ जाए, हमारा तो जीना आराम कर दिया। सिकंदर लोधी ने दोनों को, रविदास जी को और कबीर जी को तलब कर लिया, पकड़वा लिया। अब सिकंदर लोधी भी शिक्षा दे रहा है, कहो कबीर यू क्या किया गणिका लेने संग, गरीबदास भूले भक्ति और पड़ा भजन में भंग। सिकंदर लोधी कहता है कि आप तो भक्ति भूल गए और आपके तो भक्ति में भंग पड़ गया, इसी गलती करते हैं, शराब पी वैश्या के साथ घूम रहे हो। कहो कबीर यू क्या किया गणिका लेने संग, गरीबदास भूले भक्ति पड़ा भजन में भंग। परमात्मा क्या कहते, सुनो सिकंदर बादशाह हमारी अर्ज आवाज, गरीबदास वो रख ही जिनियो साजा साज। अब मालिक थे खुद ही और कह रहे हैं कि जिसने जो कुछ भी कर रहा है वही करवा रहा है, वही इज्जत रखेगा हमारी तय भक्ति की। अब क्या उधर शेख तकी भी सिकंदर लोधी के साथ जाया करता था? शेख तकी कौन था? सिकंदर लोधी का धार्मिक गुरु मुसलमान था, और वो कबीर जी से पहले ही ईर्ष्या बहुत रखता था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया था। आज उसका दाव लग गया कि आज इसने बुरी मौत मारेगी। तो क्या कहा उसने, और उधर से वो ब्राह्मण लोग जिनकी परमात्मा छक्के छुड़ा रहा था ज्ञान में, उन सभी ने मिलकर कहा कि इसको गंगा में डुबो दो, कश्ती नौका में बैठाओ और गंगा के अंदर छोड़ दो, ये डूब के मर जा। तो क्या किया परमात्मा के, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी और गल में तोक डाल दी, जंजीर हो मोटी सी गले में, जड़िया तोक जंजीर गल सा सिकंदर आपे। अब देखो वो है सिकंदर दिल्ली का बादशाह, जिसका इतना भयंकर रोग दूर किया था,
भुगत रहा था, जीवन के सांस गिन रहा था, और भी बहुत सी लीलाएं उसने देखी, लेकिन हजारों की संख्या में जनता ने देख के राजा के पैर नहीं रहते। और वही समय होता है स्ट्रांग होने का, और विश्वास रखना चाहिए था कि इसे महापुरुष कैसी गलती करते हैं। वहां उसने दृढ़ होना था, लेकिन फिसल गया। जनता को खुश करने के लिए उस नालायक ने खुद अपने हाथों से थकड़ी लाई। अब जनता राजी हो जाएगी कि दिनों कहीं तो चेला है इसका, जहां तक कोई एक्शन ना ले रहा है इस पर। इस डर के मारे और नंबर बनाने के लिए जनता में अपने कर्म बिगाड़ दिए। जड़िया तोक जंजीर गल सा सिकंदर आप, गरीबदास पद लीन है तारी अजपा जापे, हाथों जड़ी हथकड़ी पग बेड़ी पैराए, गरीबदास बीच गंग में तांदीना चटकाए, जड़ गए तोक जंजीर सब लगे किनारे आए, गरीबदास देख खलक क्षों का जी बादशाह। गरीबदास जी बता रहे हैं कि परमात्मा को नौका में बैठा के और गंगा के बीच में छोड़ दिया, पटक दिया ठाक है, अथकड़ी लागरी पैरों में बेड़ी, हाथों में अथकड़ी और गलम में तोक, अगर डूब जाएगा वो तैर भी ना सकेगा। उधर क्या हुआ, उन्होंने नीचे पटका, परमात्मा ऐसे बैठ के इस जल के ऊपर, और गंगा ने बहुत तेजी से बह रही थी, आराम से उसके ऊपर विराजमान हो गए। हथकड़ी और बेड़ी और गले की तोक अपने आप कट गई, कटाकट होकर नीचे गिर गई गंगा के अंदर। परमात्मा स्वतंत्र बैठे हैं। जड़ गए तोक जंजीर सब लगे किनारे आए, गरीबदास देखे खलक स्यों काजी बादशाह, सारी जनता देखे खलक माने जनता, और बड़ काजी मुल्ला वो सारे खड़े, और बादशाह सिकंदर लोधी भी देख रहा है। नीचे नीचे गंगा जल ऊपर आसन थीर, गरीबदास डूबे नहीं बैठे अधर कबीर, यो अचरज कैसा भया ये देखे दोनों दीने, हिंदू और मुसलमान दोनों देखे यो कमाल कर दिया भाई। गरीबदास काजी कहे इसने बांध दिया जल सीने, जो कहने यो जल बांध दिया अपने मंत्र से, जल को बांध दिया यानी जंतर मंत्र से, इसको ये डूब नहीं रहा इस करके इसने इसको बांध दिया। गल में फांसी डार कर बांधो शिला सुधारे, गरीबदास यो जुल है दी जब डूबे गंग धार। फिर क्या स्कीम बनाई कि इसके गल में फांसी का लो मोटा रस्सा, और इसके पत्थर बांध दो अच्छी मोटी, मोटे मोटे पत्थर बांध दो पेट पे भी गल में भी पीठ पे भी, ऐसा ही कर दिया। और गंगा के बिचाले जाके बीच में और नौका में से नीचे पटक दिया। शिला धरी जब नाव में बांधी गले कबीर, गरीबदास फंद टूटे गे ना डूबे जल नीर, वो बंद टूट गए और परमात्मा फिर भी नहीं डूबे। फिर क्या हुआ, देखो कमाल परमात्मा का, किसी अंधे हो गए थे वो इंसान। तीर बाण गोले चले तोप रहल क्लो सोरे, गरीबदास उस दुल्हदी के गई एक नहीं और, अदर अधार गोले बहे वो जल के बीच गभा के, गरीबदास उस दुल्हदी पर शस्त्र छूटे लाख, तोप रह कले सब चले तीर बाण कमान, गरीबदास वह दुल्हदी ही जल पर रहे अमान, अदरदार अपार गति जल पर लगी समाद, गरीबदास निज ब्रह्म पद खेल आद अनाद, जुलम हुआ डूबे नहीं शस्त्र लगे न बाण, गरीबदास इब कौन गति ही कैसे लीजे प्राण। अब क्या कह रहे हैं,
कि जब ना डूबे ना वह सिला पत्थर बन जे थे वह भी टूट के बंदर नीचे गिर गए, मालिक बैठे जल के ऊपर। तो उन मुल्ला और काजियों ने सिकंदर से कहा कि सिकंदर लोदी से कहा कि तोब मंगा ले, तोब पहले तीर मारे और गोली मारे, जिसका जो उठा जा पत्थर मारे और मालिक की तरफ एक नहीं जावे। कहते हैं चार पैर गोले बगे दमी मुल्क मदाने, गरीब दास पोखर सूखे है रहे कबीर अमाने। ओए होए चार पैर तक, चार आठ पैर का दिन रात होता है 24 घंटे का, और चार पैर समझ लो 12 घंटे तक तोब के गोले मारे परमात्मा की तरफ, क्योंकि गंगा का जो वहां पर स्थान 400-500 फुट की बीच में होता, 200-250 फुट बीच में जाकर छोड़ दिया था मालिक को। अब तोब के पल तीर मारे, गोली मारी, पत्थर मारे, कंकर, एक नहीं मालिक कल गया। फिर तोब मंगा ली और ने गोला मारे, मालिक का निशाना साध गए। वो कहे तो उड़े फस हो जा और कोई इतना दूर जा आसपास के तालाबों में जागर और उड़े पट दूमा। कहते अधरधार गोले बहे वो जल के बीच गभाक है। एक सिंपल लैंग्वेज हम का आग्रह गाँव देसी लैंग्वेज में अपने हरियाणा की में किले भाई डड़ा मारा दौड़ मर गभाक देसी लग गया, यानी उसका एक आवाज आती है गभाक। तो कहते हैं गोले मारे थे परमात्मा के और वो जल में 100 फुट इधर 100 फुट इधर है उड़े गभाक, यानी उसके अंदर गब 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 उसके पानी में पड़े और मालिक की तरफ एक छींट भी नहीं लगी परमात्मा कबीर जी की तरफ। अब के कहने लगे ओहो जुल्म हुआ यो बूढ़े नहीं। वो क्या कहते हैं दोनों धर्म हिंदू और मुसलमानों के वो गुरु लोग वीर वो देखनी है भी जनता सारी, क्योंकि ना तो यो डूबता और ना इसका कोई गोली तीर लागती, अब इसने क्यों कर मारा। जुल्म हुआ बूढ़े नहीं ये शस्त्र लगे नबाणे, गरीबदास इब कौन गति कैसे लीजे प्राण, यानी इसका शरीर कैसे अंत करें, इसका जीवन कैसे अंत करें, कैसे इसके प्राण लें, कैसे मारें इसको। लगी समाधि अगाध में बिचरे काशी गंग, गरीबदास के लोल करे छू है चरण तरंग। परमात्मा बैठे हैं ऐसे जैसे थल पर बैठ जाते हैं आसन पदम लगा के, और गंगा उछल उछल के परमात्मा के चरणों को छू रही है, उनके चरण छू रही है परमात्मा कबीर जी के। चार पैर गोले बगे दमकी मुल्क मदाने, यानी सबके में दहल गया वहां आसपास गुद्ध गुम्मोय गुम हो रही, और गरीब दास पोखर सूखे रहे कबीर अमान, आसपास के जोड़ भी सूख गए और गोले वहां पड़े जाकर मालिक की मुलगीला, वो आसपास के तालाब भी सूख गए गोले पड़ते हैं और मालिक नोके नो रहे कबीर परमात्मा। अपनी करनी सब करी थाके दोनों दीने, गरीब दास अब जुलहदी बैठ गए जलमीने। मालिक ने सोचा ये मूर्ख यही लगे रहेंगे, इतनी अकल भी कोई ना, इतना कुछ कर लिया फिर भी समझो मैं ना ही तुम के बकवाद कर रहे हो, चरणों में गिर जाना चाहिए था, ना कर गिरनी चाहिए थी, पर कर्महीन इंसान मान बढ़ाई के भूखा ने पहचाना नहीं भगवान, इतना सोचना चाहिए था आम आदमी होता इतनी देर लग गई थी के, पर ना समझ माई। अब मालिक ने सोचा कि ये बोली आत्मा 12 घंटे हो गए रोटी खाए न पानी पिया, मेरे मारण की खातिर तो पब्लिक ने मेरे के मिल लगा भाई मार के बिना अकल के। तो परमात्मा अपनी इच्छा से जल में डूब गए, गोता मार गए और सब कूदते आंडे डूब गया आप पे डूब गया थारा डूबा नहीं डूबा। कहते खुशी मनाई डूब्या सब कहे हो गया गारत गोरे, गरीब दास कबले धनी तुम आगे क्या जोरे।
सिकंदर लो दिन की कड़ थप थपाव है, वो जमतानियों के आपका आगे के बसावत है इसकी, आपने कर दिया काम इसका, अब तो राजा हो बाहर महाराजा हो आपका आगे के बसाव है इसकी, है डुबो दिया डूब गया। आनंद मंगल होते हैं बटे बधाई बेग, गरीब दास उज्जुल हिदी पर फिर गी रेती रेग। अब आप विचार कर रहे हैं इन्हों के खूब बधाई बात है मिठाई बांट रहे और डूब गया गंगा में मर गया, अब इसको ऊपर का रेती फिर जाएगी यानी गंगा के जल में नीचे तली में जाकर इसके ऊपर रेत जम जाएगा सदा के लिए खत्म हो गया। अस्थि घोड़े चढ़त हैं ये पान मिठाई चीर, गरीबदास काशी खुशी और डूबे गंग कबीर। अब जब दोनों को पकड़ दिया रविदास जी को और कबीर जी को, परमात्मा ने कहा भाई इसका कोई दोष नहीं है, इसको मैंने ही कहा था, इसने मेरी आज्ञा का पालन किया, इसका कोई इसने छोड़ दो तो मेरे साथ कर लो जो करना है। तो रविदास जी अपने घर चले गए थे, तो जब वो परमात्मा लीला की जल में डूबने की सब खुशी मनाई बढ़ाई बाटे ढोल पीटे नाचे कूदे भगड़ा पावे और न्यू कुछ कहने लगे जाओ कह दो उस रविदास जी को, वो ये कहा करता ये भगवान आए हैं कहाँ गए तेरे भगवान डूब गए पानी में जल में। उधर से परमात्मा उनके सामने ऐसे लगा जैसे गंगा में डूब गए, वहां से रविदास जी की झोंपड़ी में जाकर बैठ गए मालिक। और रविदास जी को बताने के लिए जब गए लोग कि कहाँ गया तेरा भगवान, तू भगवान कहे था वो डूब गया वहां पर खत्म हो गया मर गया, रविदास जी कहते हैं ये बैठे भगवान कौन कहता है मर गया, नू देख रूटे बाज गए ओ जीव है वो तो जीव है जुड़ सा देख सचमुच हाँ रविदास जी के बैठे सैकड़ों आदमी नू देख फिर बाज लो तो जीव है, फिर सिकंदर लोदी के पास गए वहां परमात्मा क्या देखा अपना जानबूझ के लीला करे ढोलक बजावे और शब्द गाँव परमात्मा के। कहते हैं जाओ घर रे दास के हिलकारे हजूर, गरीब दास खुशियां कहो कहियो नहीं कसूर। झालर ढोलक बाजत हैं वो गावे शब्द कबीर, गरीब दास रे दास संग दोनों एक ही तीर। काजी पंडित सब गए सा सिकंदर उठे, गरीब दास रे दास के भेख गए जट जूट। अब वहां देखा परमात्मा तो फिर पकड़ लिया मालिक को फिर पकड़ जाए, और उसी गंगा में फिर गिर दिया जाके, इतनी अकल खराब उनकी। सा सिकंदर फिर गए उस गंगा के तीर, दास गरीब कबीर हरी बैठे ऊपर नीर। फिर ऊपर बैठे पाए कहने लगे तो फिर जी गया फिर जी गया फिर बाजे आए सारे लाबड़दा। बैठे मला जहाज में गए धार के बीच, गरीब दास हर हर करे प्रेम फुहारे सींच। सकल सिंढी लाए करे उतरे तामला, गरीबदास संबंधगी याद किए बादशाह। अब उन्होंने नो सोचा चाल चाली एक राजनीति कि कबीर जी ऐसे तो डूब नहीं रहे, इसको बलो भला के एक बार निकाल लो और फिर इसको और मौत मारेंगे, ऐसा ही किया। सकल सिंढी लाए कर वो उतरे तामला, यानी नौका में बैठ कर गए नीचे उतर के प्रार्थना की है भगवान आप चलो आपको बादशाह याद कर रहा है आपको याद कर रहे हैं। कबीर जी बोले चलो भाई। बैठ कबीर जहाज में आए गंगा घाट, गरीब दास काशी थकी हांडे बहुविध बाट। फिर कहा कि भी सारे काशी वाले आ जाओ इसको दूसरी मौत मारेंगे, क्या कोई महान गलती कर देते थे
राजा लोग उनको सरेआम सजा दिया करते थे, उसके लिए एक सजा स्थल बना रखा था, जैसे आजकल खेल के मैदान होते हैं, प्ले ग्राउंड होते हैं, जैसे स्टेडियम होते हैं, ऐसे बना रखा था। एक ऊंचे स्थान पर राजा बैठता था, उसके नीचे पैड़ियों पर उसके मंत्री और राज्य के अधिकारी बैठते थे, और नीचे मैदान में सजा देने वाले को खड़ा कर दिया जाता था। एक हाथी होता था, खुन्नी हाथी बोलते थे उसको, वो मनुष्य का मांस पीता था, तोड़ फोड़ कर उसमें से मांस पीता था, और शराब पिला करके हाथी को तब लाया जाता था पिला करके। इसीलिए उस मैदान में सभी काशी वाले इकट्ठे हो गए और कहा इसको खुन्नी हाथी से मरवाएंगे। ये सकीम लड़ाई, हाथ पैर बांध कर परमात्मा की, जैसे जूड़ कर डाल दिया करें, गोला लाठी बोले, और वो मैदान में डाल दिया। उधर से हाथी वाले से कहा कि इसको खुन्नी हाथी, और हाथी को शराब पिला दे तो इतना मदमस्त हो जाता है, उदमस्त आर दे, और हाथी को शराब पिलवाई, और पीलवान यानी ड्राइवर बैठ गया हाथी के ऊपर, परमात्मा बांध दिया ऐसे, राजा बैठा ऊपर मचान में, उसके सब राज्य के राज्य अधिकारी गण मंत्री बैठे, जनता चारों तरफ खड़ी खड़ी देख रही है, दुनिया इकट्ठी होगी। अब उसे कहा तो हाथी वाले पीलवान से कि कर दे काम, इसको कुचलवा दे सबके सामने। जब हाथी को लेकर पीलवान चला उसकी तरफ, परमात्मा ने एक सिंह रूप दिखा दिया, शेर का रूप। अब शेर दिखे बाचा हाथी की शराब उतर जाया करे, जब हाथी की उतरेगी शराब, और उल्टा बाजा ने मुंडी गोवर चंगाड़ मारा, लीद कर गया। उन्होंने सोची भाई कि पीलवान ने दिखे नहीं, शेर दिखे उसने हाथी, हाथी ने, पीलवान ने सोचे मैं मर गया भाई, मेरी नौकरी जाएगी, राजाओं का राज सह परिवार नाश कर मारेगा मैंने। उसने फिर चार करके उसको भाले भूले गो के हाथी को अंकुश ठोक ठोक कर बुरी तरह उसको फिर सीधा करके लाया, निकट आते फिर वो हाल हो गया उसका। परमात्मा ने सोचा यो हाथी ने दुखी करेगा, इसने ना दिखा मैं तो। परमात्मा ने उस पीलवान को दिखा दिया, शेर खड़ानियो जैसे अब छलांग मारी राई आया, हाथी की तरफ पीलवान की तो गद मद, हाथी तो तलाया पीलवान डरगायो मर गया। उन्हें सोची यूं क्यों हुआ भाई, देखने वालों ने। तब परमात्मा खड़े हुए, अपने आप को बांध रखे थे बंधन, अब पे टूट गए मालिक के, और खड़े हुआ नो जमहाई रंगड़ाई ली, इतना लंबे हो गए परमात्मा आकाश कर नजर लगे हुए। अब सिकंदर ने देखा यू तो इतना ऐसा रूप दिखाई दिया, उसका कलेजा हिल गया सिकंदर लोधी का, और वहीं से हाथ जोड़ कर यूं चला, जैसे मेले में एक बंदर लिया करते खिलौना था, गज कतार से पे, और वो नो नो करता, नो 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 करता नीचे आया करता, तो न्यू आओ सिकंदर न्यू करे न्यू, बकस दो भगवान बकस दो परमात्मा, उसने तो परमात्मा दिखाई दे, इतना लंबा शरीर, चरणा माँ का लौट गया, सारी काशी ने कह रहा है राजा का दिमाग खराब हो गया, दान का आगे लौट गया, दंडवत प्रणाम करे। अवर उसके चले उठ गए, राजा तीस की ओर हो गया, ना मेरा राजा कलजा बैठ रहे हैं। खुन्नी हाथी मस्त है, पग बंधे जंजीर, गरीब दास जहां डारिया मस्क बांध कबीर, सिंह रूप साहेब धरया, शेर का रूप धर दिया मालिक ने, परमेश्वर कबीर जी ने, भाग्य उल्टे फील, फील माने हाथी, गरीब दास नहीं समझती या दुनिया खलील, कहते हैं ये नालायक इब्बी बिना समझ सके परमात्मा की लीला को, इतना कुछ इन्हें जुलम करके देख लिया, और कुछ टस से मस नहीं, इनका बाल भी बांका नहीं कर सके, रे चरण पकड़ लेने चाहिए थे नालायक का ने। बने केहरी सिंह जित चोर सिख शिखर आसमाने, गरीब दास हस्ती लख्या वो दिखे नहीं जिहाने,
यानी और जनता को नहीं देखा था, अच्छी अच्छी ने देख लिया। कूट कूटे शीश महावतम अंकुश सिर गर्गा पे, ग्रीवदास उल्टा भाग वो तारी दीजे थाप। अच्छी उल्टा भाग लिया और ऊपर ते तो पीलवान मारा उसका अंकुश, बराबर ते और दूसरे सैन्य उसका बाल्य गो, तो उल्टा क्यों बाजे है, उल्टा चल। बाल्य कोखो मारिए कुखो में, चरखी छूटे पाखे, ग्रीवदास नहीं निकट जावे किलकी देवे लाख। हाथी ने मरवाने के लिए ना किलकी दिया, हो कर दे काम, हाथी निकट नहीं गया। जैसे भक्ति कबीर की ऐसी करे न कोए, ग्रीवदास कुंजर थके उल्टे भागे रोए। कुंजर माने हाथी। दुम गो है मुंडी धुने सैन न समझे एक, ग्रीवदास दिखे नहीं आगे खड़ा अलेख। कहते किससे समझने, अच्छी तो डर गया शेर देख कर, ना मेरा परमात्मा खड़े हैं ये साथ में। पीलवान देखा तब खड़ा के हेरी संग, ग्रीवदास आए तहा धर्मोला बौरंग। वो परमात्मा ही अन्य रूप धारण करके, कभी रूप धारण करके वहां आए हुए थे। उतरे मौला अरस्ते भाव भक्ति कहेत, ग्रीवदास तब सह लखे कबीर पुरुष समेत। लीला करी कबीर ने दो रूप में रह दीस, दास ग्रीव कबीर के पास खड़े जगदीश। यानी अपने ही दो रूप बना लिए मालिक ने। जो नरसिंह प्रहलाद के यूं वे नरसिंह एक, ग्रीवदास हरि आईया राखण जन की टेक। बार बार सराय कर मस्तक लीना भार, ग्रीवदास साईयों कहे बक्सो इब की बार। हाथ जोड़ के उस सिकंदर लोदी ने कह, मैंने इब का बख्शते हो, मुझे माफ कर दो भगवान। सुन काशी के पंडितों, सिकंदर लोदी कहता है फिर, सुन काशी के पंडितों काजी मुल्ला पीरी, ग्रीवदास इसके चरण लो यो अल है अलेख कबीर। सिकंदर लोदी ने कह रहे काजी के पंडितों और काजी और मुल्लाओं आ जाओ, ये तो भगवान है, अल्लाह कबीर है, इसके चरण पकड़ दो। सिकंदर लोदी ने नो कहा तो सारे बिदक गए। अन्य बोले इसने जादू जंतर किया हाथी दिया भगाए, ग्रीवदास इतना रहे ये काशी बिडरी जाए। नो कहे वो निकम्मे, नो कहे ने जादू जंतर कर दिया हाथी जा तो डर गया भाज गया इस, तुम कर दो ने जादू जंतर कल जा पाट जा। अब क्या कहते हैं, सुन काशी के पंडितो मुल्ला काजी पीरे, ग्रीवदास सिकंदर कह रहा है इसके चरण लो यो अल है अलेख कबीर। यो है परमात्मा अल्लाह अलेख, जिसको कोई नहीं देख सकता, जिसकी महिमा नहीं लिखी जा सकती, ये वो कबीर है। यो कबीर अल्लाह है उतरे काशी धाम, सिकंदर कह रहा है ग्रीवदास साईयों कहे हम झगड़ मरे बेकाम। कहते हैं यो अल्लाह है, यो परमात्मा रहा है, हम तो बेमतलब झगड़ मरे इसके साथ। और वो नकली ने कहे वट काजी मुल्ला और पंडित, इन जादू जंतर किया हाथी दिया भगाए, ग्रीवदास हम यहां नहीं रहे काशी बिडरी जाए। न बोले हम चले, हमने सुनते तेरी बात और फिर पाट दिया दंगल बाज लिए सारे। पुण्यात्मा हमने जिन भगवानों की, श्री राम श्री कृष्ण विष्णु जी की जो लीलाएं सुनी थी, उनको भी हमने किसी के बताने से ही विश्वास हुआ और हमने सत मान लिया, एक से सुना, दो से सुना, तीन से सुना, हजारों से यही सुना तो हमने मान लिया कि उन्होंने ऐसी लीला की थी तो वो भगवान थे। और इस परमात्मा ने कैसी लीला कर रखी है,
तोब के गोले मार लिया, चार पैर तक उतरा गजब, तोब का गोला देख कब तेरा, और गोले तो कटे कहां जाते, तीर गोली भी मार ली, सारे काम कर लिए। और फिर कहते हैं गरीबदास उस पुरी में सबकी बुद्धि का नाश है, कहते हैं सबकी बुद्धि का नाश हुआ, किससे के बिना किसी की बुद्धि में नहीं आ रही, तुम कर के रहे हो, और ये मालिक खड़े हैं, तुम चरण पकड़ो इसके। एक बार परमात्मा कबीर जी, क्योंकि उसके बाद कुछ शांत वातावरण बना, उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने सारा कुछ कर लिया, परमात्मा को कुछ नहीं कर पाए, तो परमेश्वर कबीर जी कहते हैं सातु भूखा भाव का और धन का भूखा ना, जो कोई धन का भूखा वो साधु भी को ना। तो परमेश्वर कबीर जी ने क्या किया, फिर वो उस लड़की के घर पर जान लग गए, वैसे के पता था मालिक ने कि अभी, क्योंकि अर्जुन और सर्जुन नाम के दो शिष्य थे जो कहीं बाहर गए हुए थे उस दौरान, पहले पैदल मार चोया करते बाहर गए हुए थे, और वहां से फिर वापस आए हुए में नाल 15-20 दिन लग गए उन्हें जाने और आने में। तो परमात्मा क्या करते हैं, उस बेटी को शाम के समय चले जाते 4 बजे सी, और वहां बैठकर उसके आंगन में लड़की नीचे बैठ जाती, परमात्मा अपना जैसा भी आसन विराजमान तख्त या चारपाई थी उस पर बैठ जाती, बेटी पैर दबाती, मालिक ज्ञान सुनाते। तो अर्जुन सर्जुन आए, अर्जुन सर्जुन को फिर उन चेलों ने नकलियों ने बताया भाई गुरु जी ने तो नाश कर दिया, भाई हम तो बाहर निकलने जोगे नहीं छोड़े। उन्होंने पूछा क्या हो गया, उन्होंने बोले सरेआम एक वैश्या लड़की से संबंध कर लिया गुरु जी ने, और भाई शराब पीकर इतने मदहोश हो गए, उन्हें ये नहीं पता तू घूम कहा रहे हो, हाथी पर बैठ के और सारे काशी में घूम शराब पी और लड़की वैश्या को साथ ले रखा। अब अर्जुन सर्जुन कह रहे तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारी जुबान में कीड़े पड़ जाएंगे, तुम उस भगवान के बारे में ऐसा बोल रहे हो, तुमने शर्म नहीं आती है नाला को, ये जुबान तुम्हारे मुंह से निकल कैसे गया। मैं बोला नहीं जुस्ती मारी, अगर नहीं जुस्ती तुम्हारी बात में रहे, हमने परमात्मा को बहुत निकट से देखा है। मैं बोले ना जुस्ती ना, आज 4 बजे देख लिए उस वैश्या के घर पर बैठे पाओगे। अब वो गए दोनों जने 4 बजे सी, मेन गली में एक गेट आंगन में सामने बैठे, गेट खुला, परमात्मा बैठे चारपाई पर, लड़की उसके उनके पैर दबा रही साथ में बैठी हुई, और परमात्मा चर्चा सुना रहे। अब अर्जुन सर्जुन एक पर देखते देखते देखा सामने, अरे सचमुच ये तो भाई, वो कहे थे भाई बात पाई, एक बार तो देख कर आगे निकल गए स्पीड ते, फिर सोची भाई नू तो बात ना बना, सचमुच या तो बात बिगड़ गई, और गुरु जी से कहते हैं ये अच्छी बात नहीं। अब दोनों वहां आ गए और प्रणाम किया और कहा गुरु जी आपको यहां नहीं बैठना चाहिए, ये तो एक बदनाम औरत का ठिकाना है, आपको यहां नहीं बैठना चाहिए था। कबीर परमेश्वर जी कहने लगे अर्जुन सर्जुन आज तुम मेरे शिष्य नहीं रहे, तुम तो मेरे गुरु बन गए, जब मुझे शिक्षा दे रहे हो तो तुम मेरे गुरु हो, और भाई जाओ मुझे गुरु की आवश्यकता को ना, मैंने गुरु बना रखा है रामानंद जी, दूसरे गुरु की मुझे आवश्यकता नहीं, जाइए यहां से। अरे निकम्मे, कहते हैं ऊंच नीच में हम रहें, उस लड़की की तरफ हाथ करते हैं परमात्मा, उसका अनुवाद भी पकड़ के कहते हैं यह हार्ड चाम की दे, और अर्जुन सर्जुन समझियो तुम करियो समझ सने, निकम्मे मन तुम्हारे को इतना ज्ञान दिया, और तुम अपना भक्ति करो जो तुम्हारे को नाम दे रखे है, अन्ना तो थरी तुम्हारी ब्रह्म मट्टी हो जाएगी। अब इतने में समझ गए बात है,
उन्हें सोची में बात तो बिगड़ेगी। दोनों ने विचार लाया कि अभी कती बात बिगड़गी, बना बना जीवन बर्बाद हो गया। अरे आज के सोची हमने, सोच सोली ला कर आकर संत। अब उन्होंने सोची भाई अब क्या बने, और परमात्मा ने कहा कि तुम जाओ, तुम्हारे मन में दोष आ गया, तुम इस जन्म में पार नहीं हो पाओगे। यानी मेरे शरीर से अब तुम्हारे से वो बात बनेगी नहीं, अब जाइए यहां से। अब उन्होंने सोची बस जुलम हो गए थे, क्योंकि रोज ज्ञान दिया करते, कोठ जन्म तन बरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रहे, और कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ। और सारे ने कहा करते चले, हे भगवान, हे गुरु जी, इस जन्म में पार कर दियो। और परमात्मा ने कहा करते भाई, पार होने के योग्य हो जाओगे तो, और मैं कौन सा यहाँ पर बाजरा रुखाड़ ना रहा, मैं तो आपके लिए आया हुआ हूँ। योग्य हो गए तो सारे ने पार करूंगा, इस जन्म में करूंगा, पर होने योग्य तो बनो। अर्जुन सर्जुन भी यही कहा करते हैं, भगवान फिर जन्म हो गया तो ना जाने कहाँ जन्म हो जाए। मनुमान ने करा कितना नाइजीरिया में पैदा कर दे काल, वो बना दे राष्ट्रपति वहां का इस भक्ति के कारण है, और खाओ कच्चा मांस वहां पर, कौन सुना भगवान की हांडे जा टीटी पा क्या। तो उनका समझ में आ गई वह बात बिगड़गी, कति नाश हो गया, बहुत रोए और वापस आकर ने बोले भगवान हमने माफ कर दो। परमात्मा बोले बेटा माफ तो कर दूंगा, लेकिन इस शरीर से अब तुम पार नहीं हो सकोगे। क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हारे मन में दोष आ गया। अब तुम कितनी बात बना लो अंदर ऊपर से, पर तुम्हारे अंदर में दोष पूरा घर कर चुका है, और ये दोष गुरु के प्रति आ गया बेटा, पार नहीं हो सकते। इब वो बात उनके समझ में आ गई, भाई दोष तक अति पक्का आ गया, जब दोबारा नाम भी अब हम ले भी देंगे, ये दे भी देंगे, तो मन साफ हो नहीं पाओगा। तो पुण्यात्माओं कहते सतगुरु के दरबार में, मालिक ने बता रखा फार्मूला, सतगुरु के दरबार में मेरी थर थर कप दे, ना जाने किसी बात पर टूट न जावे ने। अब कहते हैं ये धागा है प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, और टूटे तो फिर मिले नहीं, और मिले तो गांठ पड़ जावे। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।